हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है तीज, तो आप सभी को हैप्पी तीज। और सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत कर दी है हरे और येलो कलर से। तो यहाँ पे ये देखिए, मक्खी किस तरह से फूलों में से रस निकाल के ले जा रही है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सिंपल सी सब्जी और सेवैयाँ वाली केसर की खीर और पनीर वगैरह। छोले इसलिए नहीं बनाए क्योंकि जैसे तीज के नेक्स्ट डे भी फिर चने वगैरह बनते हैं, और जैसे 11 तारीख की तीज है तो 12 तारीख का बेटे का बर्थडे है, तो उस दिन भी पनीर। और अब काफ़ी दिन से ना पता नहीं क्यों पनीर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं घर में, तो इसलिए पनीर खा खा के भाई बिल्कुल बोर हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी सब्जी आलू सोयाबीन की खीर, और यहाँ पे बस खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे मैंने जो इमली की चटनी है वो बनाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे जो चने हैं, ब्लैक वाले चने होते हैं, उनको भिगो दिया है क्योंकि यहाँ पे तीज पे ये चने भिगो के शाम को उगाए जाते हैं फिर झाड़ वगैरह में, तो मैं दिखाऊंगी जैसा भी हम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे चने भिगो दिए हैं, तो इसमें से कुछ चने भाई इधर उधर ये लेडीज एक दूसरे को देती है, इनकी बांटती है, कुछ वहाँ पे उगा देती है। और जो तीज का नेक्स्ट डे होता है उस दिन सभी के घर में मोस्टली जो चना मसाला होते हैं वो बनते हैं, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में भिगो दिए थे क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है भाई। और बस ये काम हो गए हैं फिनिश। नहाने धोने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चूड़ी वाला आ गया था, तो हम क्या करते हैं आजकल, इन चूड़ी वालों से हम लेते नहीं हैं क्योंकि मार्केट से ले आते हैं, लेकिन इन लोगों से भी कभी कभी लेना चाहिए और फेस्टिवल पे तो ज़रूर लेना चाहिए ताकि इनकी थोड़ी बहुत भाई अपनी बिक्री वगैरह हो जाए। तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने इनसे ले लिए हैं। और बस फिर मैं जा रही हूँ यहाँ पे मार्केट, तो भाई मार्केट हम जा रहे हैं पैदल क्योंकि हस्बैंड की आजकल ऐसी ड्यूटी लगी हुई है, उनकी बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। और विनीत फिर जिद कर रहा था कि मुझे गिफ्ट दिला के लाओ, और ये सुबह ले भी आया था गिफ्ट अपने बाबा के साथ, लेकिन बोला मम्मी आप भी दिला के लाओ, फिर मैं इसको लेके मार्केट चली गई और मार्केट हम गए पैदल। और सच में उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई, बहुत ज़्यादा। क्यों हेलो, मैं बहुत देर के बाद भाई आपको मिल रही हूँ। तो अभी बज चुके हैं शाम के 6, और हमारे प्लॉट में ही भाई क्या बोलते हैं बेर लगते हैं, बड़ बेरी तो वो है, झाड़ है वहीं पे, तो हम यहीं पे चने उगाने वाले हैं। वैसे तो दूर दूर भी जाते हैं पर हम यहीं अपने भाई मोहल्ले की जो भी हैं 2-4 लेडीज़ है वो वहीं पे कर लेंगे अपना जो शगुन होता है। और तो बस मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का ही सूट डाल लिया है, सोचा तीज है तो चलो ग्रीन कलर का सूट डाल लेते हैं। और मेहंदी मैंने एक हाथ पे लगाई है, वो भी बिल्कुल सिंपल सी, और ग्रीन कलर के पहने हैं कड़े, क्योंकि बोलते हैं कि भाई तीज पे सब चीज़ें ग्रीन ग्रीन होती है, तो इस हिसाब से भाई हमने अपने डाल लिए हैं। और पकोड़े बस जस्ट मैं अभी बनाऊंगी, और सारा जो मैंने पकोड़े बनाने का सामान है भाई सब कुछ रेडी करके रख दिया है, सिर्फ उनको फ्राई करना है। तो बस पकोड़े बनाते हैं, चने उगाते हैं, दिखाएंगे आपको ज़रूर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पकोड़े मैंने बना लिए हैं, इमली की चटनी, चाय, तो आप लोग भी खा लीजिए। और सच में ब्रेड पकोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो फ्रेंड्स, उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना सकी, छोटी छोटी एक दो क्लिप बनी है, अदरवाइज फ़ोटो ही खींचे थे, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे बंद कर देते हैं। उम्मीद है आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।